सिंस मैं सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज हाउसफुल 4 24 दिनों में कितनी कमाई कर चुकी है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि क्या ये 210 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके मन में सवाल जरूर होगा काफी वक्त से। कलेक्शंस धीमे हो चुके हैं लेकिन कलेक्शंस आने कम नहीं हुए हैं। मैंने कहा था कि 24वें इनका जो मैं प्रेडिक्शन था वो 1 से 1.25 करोड़ के बीच में था, 1 से 1 to 1.25 करोड़, बट उससे भी बेहतर कलेक्शंस आया है। वो तो मैं समझ ही गया था, पब्लिक देख के थिएटर में कल गया था तो मैं जिसे बताया, बट स्टिल इट्स अ गुड थिंग, लोग देख रहे हैं फोर्थ वीक में, अपने आप में एक अच्छी खासी बात है। लिमिटेड स्क्रीन है 400 होंगे उससे 450 सारे स्क्रीन नहीं है फिलहाल, और सिंगल स्क्रीन पर ये फिल्म ज्यादा धमाल मचा रही है बेबी। चलिए एक बड़ा एक जखीरा है इस फिल्म का, ट्रेड और प्रोड्यूसर्स दोनों ही फिगर बताता हूँ। वही आप सोचते हैं कि यार क्या ये लेके बुक पढ़ा जाता है, तो आपको बता दो ये बुक ऐसी ऐसी नहीं है, पूरा इसमें गोची किया हूं मैं, पूरा लिख लिख के भर दिया हूं मैं, वो समझे हो ना, ताकि चीजें गड़बड़ ना हो, क्योंकि वैसे ही कलेक्शंस को बहुत सारे लोग फेक कह रहे हैं, गड़बड़ कह रहे हैं, प्रॉब्लम वाला कह रहे हैं कि यार गलत कलेक्शंस, क्योंकि सही में मैंने खुद पहली बार देखा 6 क्रिटिक 6 अलग अलग कलेक्शंस बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस फिल्म पे भरोसा रखा हूं, इस फिल्म के कलेक्शंस पे भी भरोसा रखा हूं, क्योंकि ट्रेड और प्रोड्यूसर्स में महज और महज 5 करोड़ तक का डिफरेंस है, और जब तक ज्यादा डिफरेंस ना हो तब तक मेरी आंखें खड़ी नहीं होती। क्या बोलते उसको, एकदम ही मैं शॉक नहीं होता, मेरे हिसाब से कलेक्शंस अभी भी काफी सही है। चलिए ठीक है, बिना टाइम पास करे पक्का आपको बताता हूं। ये कलेक्शंस अगर बात करें ट्रेड का, तो ट्रेड कलेक्शंस बताता हूं आपको, वो भी 22वां 23वां 24वें दिन का, यानी कि फोर्थ वीक के फ्राइडे सैटरडे संडे, फोर्थ वीक के फ्राइडे 45 लाख, सैटरडे 75 लाख और संडे 1.40 करोड़। वहीं अगर बात करें सॉरी टोटल जो हुआ है वो हुआ है 202.78 करोड़, 202.78 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 203 करोड़ इस फिल्म हैज टच इन ट्रेड। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर्स फिगर की, पहले हफ्ते में इस फिल्म ने बढ़िया कलेक्शंस करते हुए उस कलेक्शंस को पहुंचाया 141.31 करोड़, 141.31 करोड़। दूसरा हफ्ते खत्म होते होते फिल्म का कलेक्शंस पहुंचा 189.73 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 190 करोड़, और यहां पर ये फिल्म धीरे धीरे खिसकती रही और 3 हफ्ते खत्म करने के बाद 205.18 करोड़ तक ऐसा कलेक्शंस पहुंचा, 205.18 करोड़ तक का। वही बात करें फ्राइडे को इसने लगभग लगभग 50 लाख के आसपास ही कमाई की, सैटरडे को लगभग इसने 80 लाख के आसपास ही कमाई की, और संडे का ऐसा कलेक्शंस 1.40 करोड़ के आसपास आया है, और इसके साथ ही इसका टोटल अगर बात करें 207.88 करोड़ है, यानी कि कम ज्यादा करके अगर नॉर्मल एकदम बात करें तो 208 करोड़ है, ठीक है। तो यहां पे आपको बता दूं सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फाइनल कलेक्शंस है प्रोड्यूसर्स के नहीं आए हैं, और या फिर नहीं बता रहे, वो भी बोले बस हो गया ना 200 करोड़, अब क्या है रोज का, बट स्टिल दिस आर द कलेक्शंस, क्योंकि ट्रेड और प्रोड्यूसर्स में जिसे डिफरेंस नहीं आया है उस हिसाब से कलेक्शंस भी बहुत ज्यादा लेजिटिमेट है। अगर कोई फाइनल फिगर कोई प्रोड्यूसर्स लाता भी है तो आपको सिर्फ 10-20 लाख का फर्क पड़ेगा, और ज्यादा फर्क नहीं होगा। दैट मीन्स एग्री विथ माई पॉइंट, दिस फिल्म हैज कलेक्टेड ऑलमोस्ट 208 करोड़ इन प्रोड्यूसर्स फिगर्स, यानी कि 207.88 करोड़ मैं मान के चल रहा हूं इसे, ठीक है। और यहां पर मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे 4 दिन और है इस वीक में जब तक इस फिल्म को कोई रोक नहीं सकता है, यानी कि इन मिनिमम स्केल में जिसे फ्राइडे को हुआ था 45 लाख, अगर उस रेंज में भी बात करें हम तो आप पकड़ लीजिए 4 दिन का 40 पकड़ लीजिए, यानी कि 1.5 करोड़ के ऊपर कलेक्शंस होता ही होता है, यानी कि ये फिल्म का कलेक्शंस खत्म होते होते 200 करोड़ ये टच कर देगी या उसे क्रॉस कर देगी, मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही, और वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइए, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।